वेलकम टू इशानी वीडियोस। नागिन सीजन 4 का आज का एपिसोड तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप वूड और कलर्स टीवी पर कभी भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में वृंदा के सामने देव मारने वाला है पूरी तरह से यहाँ पर मान्यता को, लेकिन वो देव नहीं कोई और है, और उसके साथ साथ विशाखा का एक नया प्लान आएगा और विशाखा की यहाँ पर खास वही उसे धोखा देने वाली है। अब आखिर में आने वाले एपिसोड में क्या खास होने वाला है और साथ ही साथ मान्यता की मौत के बाद में क्या बड़े बदलाव आएंगे और आने वाले एपिसोड और भी बहुत कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, तो सारी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहां पर विशाखा देव का रूप रख लेती है, और यहां पर जैसे कि हमने आपको पिछली एक अपडेट में बताया था कि विशाखा ही रहेगी जो कि दोनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगी, और लगभग वो कामयाब भी हो रही है। यहां पर विशाखा ने देव का रूप का और यहां पर पीछे पीछे आ रही थी वृंदा। वृंदा ने देखा देव को मारते हुए मान्यता को, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। अब सच्चाई आखिर में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आपको एक तरफ देखने को मिलने वाला है कि यहां पर मुंडिका जो कि साथ दे रही है अभी तक विशाखा का, लेकिन उसके साथ में कुछ गलत होने के साथ साथ उसको अभाव होता है कि मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, और जिसकी वजह से वो खतरा बनकर नजर आती है विशाखा को, और विशाखा उसे भी मारने की कोशिश करती है और जहां तक वो कामयाब भी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अब बारी आ चुकी है मान्यता की। मान्यता भाग चुकी है घर से, अब यहाँ पर उसका पता लगने वाला है पूरी तरह से विशाखा को और साथ ही साथ यहाँ पर वृंदा को भी। वृंदा जाती है पीछे भागकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ उसे शक होता है देव के ऊपर। अब यहाँ पर शक को पूरी तरह से सही बताने के लिए और सही जानने के लिए अब विशाखा का नया प्लान सामने आता है। अब विशाखा जाती है देव का रूप रखकर और यहाँ पर मान्यता को वृंदा के सामने ही मार देती है और उसे वहां खड़ी पहाड़ी से ढकेल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर मान्यता नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। और वहीं तभी अचानक से देव गायब हो जाता है, यानी नकली देव जो कि यहाँ पर विशाखा है वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पर शुरू होती है असली कहानी। अब यहाँ पर आपको एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक तो प्रीकैप में दिखाया हुआ, लेकिन प्रीकैप के आगे की स्टोरी बोनस पॉइंट के तौर पर आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अब वृंदा का रूप बदलेगा, वो भी एक तांडव के बाद में। तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप ये सब देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।